हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं असम में हूं और असम में आए और बैंगू की कोई आइटम नहीं बनाई या नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं है। तो आज मैं लेके आया हूं मार्केट से कुछ बैंगू, तो आइए देखते हैं क्या हम इससे कुछ बना सकते हैं, कुछ घर का आइटम जो हमारे काम का भी हो। तो आइए पहले बैंगू को हम कट कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बैंगू को काट के देखते हैं। अब हम इसके अंदर होल करने जा रहे हैं, तो क्योंकि मेरे पास कोई ड्रिल मशीन नहीं है होल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं आरी से और उसके बाद हम यहाँ पे कील ठोक के इसके अंदर शेक करेंगे। तो देखिए कैसे शेक करेंगे। तो ये मैंने जैसे यहाँ पर ये आरी से दो कट लगाए पहले और उसके बाद ये कील लिया और उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे ठोक देंगे। और यहाँ पर हम एक बैम्बू को, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक बैम्बू को फंसा लेंगे। तो दोस्तों हम ऐसे ऐसे बैम्बूज को कट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर धागे से ऐसे कर करके हम बांध देंगे। ऐसे हम रखते जाएंगे और एक एक करके इसको हम बांधते जाएंगे। एक एक जब बैम्बू को काटने के बाद इसको हम कैसे इसके साथ जोड़ेंगे अब हम वो सीखेंगे। तो देखिए मैं कैसे गांठ लगा रहा हूँ। ये यहाँ से इसको पहले एक बार यहाँ से निकालेंगे, इसको इसके नीचे से लेना है। और ये आप ऐसे, ये जेगार्ड का धागा है, टायर से बना वो पक्का मजबूत धागा है जिससे हम एक एक बांस की, एक एक लकड़ को, बांस की बैम्बू को हम बांध रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे एक एक लकड़ बांधने से हमारा ये ऐसे बेस तैयार हो रहा है। ऐसे करके बांधते जाएंगे और ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसके दोनों बेस तैयार हो चुके हैं और दोनों बेस मैंने ऐसे ही अभी लगाए हैं, अभी इनको बांधा नहीं है। हेलो दोस्तों, तो अब काम चल रहा है इसे बांधने का। इसको बांधने के लिए मैं मार्केट से लेके आया हूँ ये छोटी रस्सी, जूट की रस्सी है। एक एक करके हम इसके सभी कॉर्नर्स को और साइड्स में जो ये लगे हैं इनको सबको हम बांध रहे हैं। तो देखिए मैं कैसे बांध रहा हूँ इससे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी कॉर्नर्स इसके बांध दिए हैं, क्योंकि ये हिले ना तो इसके लिए यहाँ पर एक मैंने क्रॉस लगाया है। आप ये देख सकते हैं ये क्रॉस लगा है एक इस तरफ और दो क्रॉस मैंने लगाए हैं आपके इस तरफ। ये बुरादा है लकड़ी का, ये मैंने एक दुकान से लिया और इसको फेविकोल में मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर इनकी साइडों में यहाँ पर इसको लगा दिया है। इससे ये बहुत टाइट हो गया है और हिल नहीं रहा है, क्योंकि जब हम बांधेंगे इसको तो उसके बाद भी हिलने की संभावना रहती है, इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अंदर से भी लगा दिया है थोड़ा सा, इसमें भी फिल करके ही मैंने इसको बांधा है, तो इससे हमारा थोड़ा सा ये पक्का हो गया है। तो दोस्तों मार्केट से हम लेके आए हैं ये एक पेंट, ब्राउन पेंट। पहले हम इसको एक सिंगल कोट करेंगे और इसके सूखने के बाद हम इसको दोबारा से एक और कोट करेंगे, तभी जाकर इसका पेंट अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर पेंट करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने अभी सिंगल कोट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा अभी कहीं कहीं बाकी लग रहा है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर समस्या आई है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये होल्स हैं ये खाली ओपन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये इसके साइज़ के कार्डबोर्ड से इसको काट लिया है और इसको हम यहाँ पे चिपका कर इसको भी हम पेंट कर देंगे, तो इससे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब ये पूरा फाइनल पेंट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं डबल कोट हो गया और जो आगे ऊपर मैंने कार्डबोर्ड्स के ये गोल लगाए थे इनको ढकने के लिए, इनको वाइट कलर कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इसको हम एज ए मंदिर यूज़ करेंगे और इसका आप कुछ सामान रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए, किसी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने और भी बनाए हैं तो मैं आपको अब वो दिखाता हूँ कि मैंने और कौन कौन से बनाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बनाया ये सिंगल बेस की एक चौकी और इसके ऊपर रख दी मैंने अपनी बुक्स। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। ये बनाया है मैंने कपड़े रखने के लिए थ्री बेस का स्टैंड, जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ और अपना सामान भी रख सकते हैं जिसमें थ्री बेस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आप भी घर में कुछ बैम्बू का आइटम बना सकते हैं और अगर इस वजह से कोई प्लास्टिक का आइटम एनवायरमेंट में आने से बचता है तो और भी अच्छा है। तो आइए इस वीडियो का एंड करते हैं। जनरली लोग शंख बजाकर किसी काम का शुभारंभ करते हैं, लेकिन आज मैं शंख बजाकर इस वीडियो को खत्म करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।